What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 26 मई 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:16 हो रहे हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का, लॉन्ग वीकेंड था एक। आज निफ्टी में क्या होगा, क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन एक ओवरऑल ये जो 3 दिन का गैप हुआ था, ये छुट्टियां थी, तो इसके मद्देनजर जो सीनारियो है नेशनल इंटरनेशनल, वो बेसिकली किस तरफ जा रहा है इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। अगर कोरोना वायरस का ओवरऑल वर्ल्ड का अगर रेशो देखे तो अभी डेथ रेट है वो लगभग 3.5 लाख यहाँ पर पहुंच चुका है। तो ओवरऑल अभी अगर इंडिया की बात करें तो कोरोना वायरस के केसेस अभी बढ़ने लगे हैं, लेकिन जो लॉकडाउन हमने शुरू किया था मार्च एंडिंग से, वो लगभग अभी 2 महीने का यहाँ पर लॉकडाउन कंप्लीट हो चुका है। तो रीओपन करना, मार्केट को रीओपन करना, इकोनॉमी को रीओपन करना काफ़ी ज़रूरी भी है। लेकिन उसी समय अगर कोरोना वायरस के केसेस देखे इंडिया में तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो अगर यहाँ से रीओपन होता है इकोनॉमी, कुछ बिजनेस शुरू होते हैं, और लेकिन ये केसेस अगर ऐसे ही तेजी से अगर बढ़ेंगे तो फिर से एक बार गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल अपनाना पड़ेगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर से रीओपन कब होगा, लेकिन अगर ये कोरोना वायरस के केसेस अगर लगातार ऐसे ही बढ़ते रहे, लोग क्योंकि यहाँ पर काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो अगर यहाँ से केसेस अगर बढ़ते हैं, रीओपन अगर बिजनेस होता है, कुछ इलाकों में शुरू भी हो गया, लेकिन अगर इसका असर हमें अगर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। जो वैक्सीन है इसके ऊपर ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट कब आएगा, कब फाइनलाइजेशन होगा, मार्केट में कब आएगा, पेशेंट तक कब पहुंचेगा, ये इसका टाइमलाइन कब होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में अगर बिजनेस शुरू करना है, इकोनॉमी को फिर से स्टार्ट करना है, तो लोगों को भी काफ़ी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आने वाला समय ही बता सकता है इसका असर क्या देखने को मिलेगा। और फ्राइडे को जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आरबीआई गवर्नर ने एक आशंका जताई थी कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो मे बी निगेटिव जा सकता है। तो अभी जो यहाँ से माइग्रेंट्स दूसरे स्टेट्स में चले जा रहे हैं, तो बिजनेस अगर स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए लेबर भी मिलना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्विकली सब कुछ अच्छे से स्टार्ट होगा ये आने वाला समय ही बता सकता है होगा या नहीं। तो यहाँ पर अगर SIP कर रहे हैं, ये बेस्ट और बेस्ट तरीका है मार्केट में बने रहने का ऐसे समय में। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। ये पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 22nd में आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। फ्राइडे का वीडियो देखना है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बना रहा था 9177 और ब्रेकडाउन लेवल बना रहा था 9048। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद क्विकली फर्स्ट मिनट में ही इसने फर्स्ट टारगेट को अचीव करके एक फिर से पुल बैक देने की कोशिश की। हालांकि यहां पर ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया, जैसे ही आरबीआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था तो ये फिर से रेपो रेट को कम होने के कारण ये फिर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव किया, और जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक हुआ, फर्स्ट टारगेट 9028, सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट 9000, ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। और पूरा दिन इस रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और लगभग जो क्लोज हुआ वो भी ब्रेकडाउन लेवल के आसपास यहाँ पर क्लोज हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो अगर ट्रेड करते तो ऑलमोस्ट 32 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार बंद है, वहाँ पर भी छुट्टी थी, तो वहाँ पर भी एक लॉन्ग वीकेंड देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो जर्मन और फ्रांस मार्केट में कल एक हल्की सी बढ़ोतरी देखने को मिली। एशियाई बाजार आज देखे तो सभी लगभग पॉजिटिव निशान में ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है आज पॉजिटिव ओपनिंग निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिले। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 318 पॉइंट की यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स देखे एशियाई बाजारों से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। अभी निफ्टी का चार्ट है,
मंथली चार्ट से शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक है इस मंथ का। मंथली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी देखना जरूरी है। यह है लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक मार्च का, उसके बाद यह है अप्रैल का, जहां से हमने एक रिकवरी की कोशिश यहां पर होते हुए दिखाई दी, और यह है अभी मई मंथ का, यहां पर यह छोटा सा बेयरिश कैंडलस्टिक जिसने अभी तक अप्रैल के हाई और लो को यहां पर इसने ब्रेक नहीं किया, यानी इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है। उसके पहले मार्च का जो हाई और ये लो था, इसके बीच में ही अप्रैल के मंथ का कैंडल बना, यानी कंटिन्यूज यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा है, यानी एक चॉपी मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। अभी ये जो 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है, ये जबरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो लगभग निफ्टी इंडेक्स फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ, यानी 7500 तक जाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। अभी इस महीने में क्लोज कहाँ पर होता है, अभी मंथ खत्म नहीं हुआ है, एक वीक बाकी है, तो यहाँ पर ये क्लोज कहाँ होता है वो देखने लायक होगा। ऊपर रेजिस्टेंस बनाए मंथली चार्ट में, लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस ये 50 EMA का होगा जो कि लगभग अभी 10,140 के पास है, और नीचे सपोर्ट होगा 8,786 के पास। अगर 2008 में देखें, इसने काफ़ी समय यहाँ पर बिताया, ये जो फॉल आया, ये जो फॉल 2008 का फॉल है, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 महीने करीब इसने 100 EMA के पास यहाँ पर इस एवरेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट इसने टेस्ट किया है मंथली चार्ट में, और फिर बाउंस बैक दिखाया। तो अभी यहाँ पर ये सेकेंड मंथ है, लेकिन अभी ये देखें, यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस था, यहाँ पर नेचुरल क्राइसिस है। अभी नेचुरल क्राइसिस के बाद अगर फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर ज़बरदस्त दिखाई देते हैं, जैसे RBI गवर्नर ने कहा है कि GDP ग्रोथ में भी निगेटिव जा सकता है, तो यहाँ पर अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करे और 10,000 को फेल करता है और फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ आता है, तो निफ्टी इंडेक्स में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 40% निफ्टी इंडेक्स करेक्ट हुआ था, ये जो फॉल आया था 2008 का, ये 60% यहाँ पर इसने करेक्ट हुआ था। निफ्टी इंडेक्स टॉप से लेके बॉटम तक इसने 60% करेक्शन दिखाया था, अभी ये 40% का करेक्शन हुआ है। तो अगर हिस्ट्री रिपीट होता है तो यहाँ पर भी और भी 20% बचा हुआ है करेक्शन का। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है 100 EMA का, यानी 8,786 के नीचे क्लोज मिलता है, तो यहाँ से और भी निफ्टी इंडेक्स में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि उम्मीद कर रहे हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द मिल जाए, तो यहाँ से फिर से एक बार जो पहले एकदम फ्री लाइफ हमें देखने को मिल रही थी, बिजनेसेस अच्छे से शुरू हो सकते हैं, तो ये काफ़ी क्रुशियल होगा। ये दो लेवल, ऊपर रेजिस्टेंस 10,140 का और नीचे 8,700 का सपोर्ट, तो ये मंथली चार्ट के हिसाब से लेवल्स हैं। चलते हैं डेली चार्ट में। अब डेली चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे हैं ये, फिर इसके बाद अभी ये RSI ने हमें पहले ही यहाँ पर इंडिकेट कर दिया था कि लोअर हाइज बन रहे हैं, यहाँ से एक फॉल आ सकता है। जैसे मार्केट ऊपर जाता है तो इसे हायर हाइज बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है RSI को। अभी RSI भी नीचे की तरफ यहाँ पर हमें डायरेक्शन दिखा रहा है, तो अगर ये जो स्विंग लो बना है, यानी ये लेवल के पास ये लास्ट स्विंग लो है, इसके नीचे चला जाता है निफ्टी इंडेक्स, तो 8,700 के बाद हमें 8,400 के लेवल्स निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम अभी ट्रेंड देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के, तो पॉजिटिव है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर का ये जो अभी रेजिस्टेंस दो दिन से बना हुआ है, ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, यहाँ पर ये हर्डल फेस कर रहा है, यानी अराउंड 9,100 के पास। तो अगर ये 9,100 के पास सस्टेन करता है और दो तीन बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बनाता है, तो ऊपर फिर से एक बार निफ्टी इंडेक्स हमें टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल ट्रेंड तो डाउन है, जो भी अगर ऊपर एक पॉजिटिव मूव आता है तो उसके ऊपर सस्टेन होना काफ़ी ज़रूरी है। अभी फर्स्ट हर्डल ये 20 EMA का होगा, यानी 9,137 ये फर्स्ट हर्डल होगा। चलते हैं निफ्टी के आर्ली चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर ये जो फ्राइडे का लो था, एक स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक, उसके बाद में ये रिकवरी, तो इसको कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए, यानी ये जो पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, इसके नीचे अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा
8927, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 8909, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। निफ्टी इंडेक्स जैसे कि हम देख रहे हैं पॉजिटिव ओपनिंग हो रही है ग्लोबल मार्केट्स में, तो अगर यहाँ से निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चला जाता है तो ऊपर तो पहले ये 50 ईएमए का रेजिस्टेंस होगा, हर्डल होगा, यानी उसके बाद ये 100 ईएमए का हर्डल होगा। तो इन सबको क्लियरली ब्रेक होने दीजिए, यानी हमारा आज का ब्रेकआउट लेवल बन सकता है पिवट पॉइंट का, R1 का लेवल जो कि 9135 के पास है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक छोटा सा क्विकली टारगेट होगा 9156, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 9181, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।